अब मेरे हॉस्पिटल के पैसे बच गए। अरे लेकिन ध्रुव कहाँ है? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो सुबह के 5:30 हो रखे हैं और देखो 5:30 बजे कितना मतलब सवेरा सा हो रखा है। और भैया ने हमारे दुकान खोल दी है और इतनी बारिश हो रही है रात से, मज़ा आ गया। हमारे तो घर में ही टपक रहा है, अभी घर बनवाएंगे। अब तो परमिशन मिल गई है, बस घर बनवाना की तैयारी है। सोच रहा हूँ पहले डिलीवरी हो जाए उसके बाद घर बनवाएंगे। तो थोड़ा सामान ले लेते हैं। तो अब आप लोग पूछोगे कि 5:30 बजे क्या करने जा रहे हो बाहर? पहली बार उठे हैं भाई, पहली बार सूरज को उगते हुए देखेंगे। नहीं, वो भी नहीं उगेगा, बादल इतने हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज पास्ता लेने के लिए। जैसे ही सो के उठ जाओ काम शुरू हो जाता है, चाहे 5:30 बजे उठो चाहे 10 बजे। इसलिए मैं हमेशा 10 बजे उठता था ताकि थोड़ा और रेस्ट कर लूँ। आज बारिश की वजह से जल्दी उठ गया तो अभी भेज दिया इन्होंने मेरे को पास्ता लेने। और ये देखो रजत और रजत के दोस्त सो रहे हैं। देखो देवा आ आ देवा आ आ सोते सोते आ कर दिए। तो गाइस मामी जी ने दाई जी को बुलाया है, दाई जी का नंबर मिल गया था। तो हमने कहा एक बार दाई जी से भी दिखा देते हैं कि 10वां महीना स्टार्ट हो गया तब बेबी क्यों नहीं हुआ है। तो दाई चेक करके बता देंगे कि बेबी कब तक होगा। कहीं तो हमने फोन नंबर दे दिया आपको बुलाया, इसीलिए मुझे लोग बुला ले। हमने की हम जो रेट दे 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 दवाई देख के आए। हां आप डेट दे दिया अब देख के बता दे के बता दे मैं जनम करने जोड़ रही हूं। तो हम लोग हां हां जुलाई में वाला में आए रे भाई, अक्टूबर तो आया तुम्हारा, मुझे नवंबर से जोड़ रही हैं। हां मतलब जुलाई में होगा बोलते हैं। मैं क्या करूं इधर, मेरी शादी हुई है इससे, मेरी बहू है। तुम मेरे सामने करो ना चेक। अरे अच्छा अंदर हो जाओ, अंदर जाओ, अंदर कमरे में। अरे दीदी बच्चे बाहर निकलो, उसे सोने दो, उसे सोने दो, वहाँ लेटेंगे चटाई पे। हम किसी और की लड़ना बनाए दे रहे हैं। स्वाति बेस्ट ऑफ लक, लेटो, गेट बंद करो, गेट। भाभी आप भी अंदर जाओ, आप गेट लगा दो। और क्या, गेट लगा दो, गेट लगा दो। A few moments later. अभी 8 से 10 दिन लगेंगे चौथी। अब कल से काम करना है तुम्हें सारा। अगर 27 जून तक बच्चा नहीं हुआ जो डॉक्टर ने डेट बताई है, तो उसके बाद 27 तारीख के बाद डॉक्टर के पास जाए? नहीं, अगर कहाँ जी कहाँ जी इटावा, अगर बीच में आवे 5 दिन 6 दिन बाद,
ठीक 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 है पास भी ठीक और नाश्ता करो ले। वो अभी दाई आई थी तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया तो दाई को छोड़ने गए थे अभी हम लोग। बहुत अच्छी दाई थी और उन्होंने तो ये भी बोल दिया मैं घर में डिलीवरी कर दूंगी। हाँ पैसे की बचत होगी यार। लेकिन अब वही बात है पीछे रजत बैठा है तो घर पे डिलीवरी कराऊं। रजत घर पे डिलीवरी कराऊं। आए हाय हाय पैसा ही तो नहीं है यार। 2100 रुपए लेगी दाई और डिलीवरी हो जाएगी। हॉस्पिटल में 40-50 हजार का खर्चा हो जाएगा यार। क्यों रिस्क लेना है तो दाई से करवाएंगे पैसा बचाएंगे। यस तू है तो गाड़ी चल रही है भाई सच बता रहा हूँ। अच्छा। मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा अभी एक दो दिन और तू चला उसके बाद तेरा भाई चलाएगा। डर लग रहा तेरे को गाड़ी चलाते हुए? तू चला रहा है तो लग रहा है मेरे को चलाते हुए मैं अभी चला लूंगा बस वही है दर्द दर्द होगा क्या फायदा दो दिन और रह गए। नहीं तेरे पे ट्रस्ट है यार लेकिन कभी कभी डर लगता है तू इतना क्लोज निकालता है ना फुटपाथ से। चलो आए कितना इंतजार करवाए हो कितना समझ नहीं आई कितना गोल मटोला ना जहाँ कैमरा हो तो वहां लात नहीं मारता बाप से भी ज्यादा होशियार है। काय कितना इंतजार ओ ये काय समझ नहीं आ रही दोबारा बताओ कितना इंतजार हैं। कह रहा बुआ को जाने नहीं वो कह रहा बाप बहरा है क्या मेरा ना बहरा नहीं है कितना इंतजार जल्दी बताओ लग रही है इसको। ओ गुड न्यूज बगल के घर में 5 मिनट के लिए जा रहे हैं और 1.5 घंटा इनने तैयार होने में लगा दिया है। तो भाई आया था 6 बजे बुलाने कि 10 मिनट में आ जाना केक कटेगा 7:30 बज चुके हैं अभी तक नहीं तैयार हुए। तो गाइस आप लोगों को पता होगा मैंने पिछले महीने एक वीडियो डाली थी लो जी आ गए मेहमान और वो मेरे भाई का बच्चा हुआ था तो उसको आज 1 महीना हो गया है तो उसका केक काट रहा है तो उसने हमें बुलाया था तो वहाँ जाने वाले हम सब। देख बगल के घर में घांगरा पहन के जा रही पूरी सड़क साफ करती हुई जाएगी। देखो 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 पीछे भी चल पीछे भी साफ कर दियो मैं आ रहा हूँ अभी हैं। ये बहुत दिनों बाद तैयार हुए हैं सारे। चलो 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 ले एक घर छोड़ के आए गए ये बस वाले ड्राइवर ने लेट कर दिया बस वाले ने। चलो जब हम हॉस्पिटल दिखाने जा रहे थे भाभी को हैं बुआ जी जब हम भाभी को हॉस्पिटल दिखाने जा रहे थे तो हमने सोचा था कि 4-5 दिन का अंतर होगा। देख लो 1 महीने का केक कटने वाला है 1 महीने का अंतर हो गया। हमारा वाला तड़पा रहा है मतलब आने वाला कौन है। राघव सक्सेना 1 month happy birthday to you पैर से केक काट दिया दीदी को एक्सपीरियंस है सबको खिलाओ सबको ले लो अरे भाई केक और दारू किसी की छूटी नहीं होती ले तो गाइस 9:15 हो चुके हैं और खाना खाने का टाइम हो गया है। ये देखिए कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और मम्मी पापा 15 जने हैं हम घर में। तो
तो आ जाओ खाना खा लो, जिस चीज को खाना, पर बाद में मत कहना बुलाया नहीं, आज मैंने आलू टमाटर की सब्जी चावल रोटी घिया।